विद भावना में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने बहुत ही आसान सी रेसिपी लेके आई हूँ। पार्ले जी बिस्किट सभी के घर में मिल जाते हैं और बहुत इजीली अवेलेबल हैं मार्केट में भी, तो उसी से आज हम चॉकलेट पुडिंग बनाने वाले हैं। तो चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। और रेसिपी शुरू करने से पहले, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। चॉकलेट पुडिंग बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर आधा लीटर दूध ले लिया है, नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है ये। और इसमें अब हम मिलाएंगे 2 टेबलस्पून कोको पाउडर, 2 टेबलस्पून यहाँ पर ड्रिंकिंग चॉकलेट ले ली है मैंने, मिला लेंगे इसमें। ये इस तरह की ड्रिंकिंग चॉकलेट आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी। उसके बाद हमें 2 टेबलस्पून ही यहाँ कस्टर्ड पाउडर डालना है इसमें, वेनिला फ्लेवर का लिया है मैंने यहाँ कस्टर्ड पाउडर। और फिर हम मिला लेंगे इसमें 2 टेबलस्पून चीनी। उसके बाद हमें यहाँ पर 100 ग्राम कंडेंस्ड मिल्क मिला देना है। उसके बाद सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इस तरह से ये जो हैंड विस्कर आता है उससे हम मिक्स कर सकते हैं, या फिर हम जो इलेक्ट्रिक ब्लेंडर आता है उससे मिक्स कर लेंगे। तो अभी हम ब्लेंडर से मिक्स कर लेते हैं इसे। जो हमने मिक्स रेडी करके रखा है उसे गैस पे गरम करने के लिए रख देते हैं, गैस ऑन कर देते हैं अभी हम। और अभी हमें लगातार इसे चलाते हुए और उबाल लेना है, और ध्यान रखना है कि दूध तले में लगे ना बर्तन के, इसीलिए इसे लगातार चलाते हुए पकाना है। और यदि आपके पास कोको पाउडर या ड्रिंकिंग चॉकलेट या कंडेंस मिल्क, तीनों में से कुछ भी ना है, तो आप डार्क चॉकलेट कंपाउंड जो मार्केट में इजीली मिलता है उसका आधा कप ग्रेट करके और इसमें डाल दीजिए सिर्फ दूध में। उसके बाद आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, और उस तरह से आप चॉकलेट सॉस बना के तैयार कीजिए। हमारी चॉकलेट सॉस में उबाल आने लग गया है, आप देख सकते हैं। बस 1 से 2 मिनट हमें और पकाना है, फिर गैस हम ऑफ कर देंगे। और आप देख सकते हैं काफ़ी गाढ़ा हो गया है। तो अभी हमारा चॉकलेट सॉस बिल्कुल रेडी है और गैस ऑफ कर देते हैं हम। तो अभी चलते हैं हम हमारे पुडिंग बनाने की तरफ। पुडिंग बनाने के लिए हमने यहाँ चॉकलेट सॉस रेडी कर दिया है, और उसके बाद हमें लेना है बिस्किट। आप कोई भी, जो भी आपको पसंद हो बिस्किट ले सकते हैं। यहाँ मैंने पार्ले जी बिस्किट लिए हैं, तो यहाँ बिस्किट मैंने एक प्लेट में निकाल लिए हैं। और अभी इस बोल में हम इसे अरेंज करेंगे। सबसे पहले हमें बिस्किट की एक लेयर बनानी है। तो ये देखिए, हमने अच्छी तरीके से बिस्किट को अरेंज कर दिया है इसमें। और जो भी आपको जगह लगे यहाँ पे, तो उसमें हम इस तरह से बिस्किट को तोड़ करके और इसे कवर करेंगे। तो हमारी पहली लेयर तैयार है बिस्किट की। और अभी हमें क्या करना है, जो चॉकलेट सॉस हमने तैयार करके रखा है वो गरम गरम ही हमें इस पे डालना है, और बिस्किट को पूरी तरीके से कवर करना है। एक लेयर को हमने कवर कर दिया, और इसी तरीके से हम दूसरी लेयर भी अभी बिस्किट की इस पे लगाएंगे। तो ये देखिए, हमने दूसरी लेयर भी तैयार कर दी है, और इस पर भी हम उसी तरीके से चॉकलेट सॉस जो हमने बना के तैयार किया है उसे हम इसे कवर कर देंगे। तो ये देखिए, हमारी ये दूसरी लेयर भी अच्छे से कवर हो गई है। तीसरी लेयर भी हम बना के तैयार कर लेते हैं बिस्किट की।
तो ये हमने तीसरी लेयर भी अच्छे से तैयार कर दी है और इसे भी हम चॉकलेट सॉस से कोट कर देंगे। सॉस आपको हमेशा गरम गरम ही यूज करना है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये गाढ़ा हो जाता है। और अब हम इस पे लास्ट लेयर यानी चौथी लेयर लगा के तैयार करेंगे। तो हमने ये लास्ट लेयर भी बिस्किट की लगा के तैयार कर दी है और अभी हमने जितना भी चॉकलेट सॉस बचा हुआ है वो हम इस पे डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, हमने पुडिंग बना के तैयार कर ली है और अभी ये गर्म है, इसे आधा घंटा हमें ऐसे ही छोड़ देना है ठंडा होने के लिए और उसके बाद हमें एक घंटे के लिए इसे फ्रिज में रखना है सेट होने के लिए। तो चलिए अब एक घंटे बाद मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, एक घंटा हो चुका है और हमारा पुडिंग अच्छे से सेट हो गया है, तो हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने आधा कप व्हिपिंग क्रीम ले ली है और इसे अब व्हिप करके हम तैयार करेंगे। इसे आप किसी भी तरीके के हैंड विस्कर से या इलेक्ट्रिक विस्कर से आप बीट करके तैयार कीजिए। तीन से चार बूंदे हम वैनिला एसेंस की डाल देंगे इसमें। फिर से व्हिप कर लेते हैं एक बार। तो व्हिपिंग क्रीम हमारी अच्छे से व्हिप हो चुकी है, आप देख सकते हैं। इसे एक तरफ रखते हैं अभी हम और चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड्स, हमारा पुडिंग अच्छे से सेट हो चुका है और अभी हमने जो क्रीम तैयार की है उसे हम इस तरह से पाइपिंग बैग में भर लेंगे। और यहाँ मैंने स्टार नोजल ले लिया है, यहाँ एक ग्लास ले लिया है मैंने और उसमें हम हमारे पाइपिंग बैग को डाल करके और इस तरीके से सेट करेंगे ताकि क्रीम इसमें हम अच्छे से भर सकें। और अब चम्मच की सहायता से हम इसमें क्रीम भर देंगे। इस तरह से क्रीम भरना बहुत ही इजी हो जाता है जब हम ग्लास को यूज करते हैं। और अब हम क्रीम से छोटे छोटे स्टार बना के और अच्छा सा डिजाइन बना देते हैं इसपे, जो बहुत ही सिंपल है। ये देखिए, इसी तरीके से हम पूरे में बना के तैयार करेंगे। अब इस पे हम कुछ चॉकलेट फ्लेक्स स्प्रिंकल कर देते हैं। और ये हम सेंटर में लगा देते हैं बिल्कुल। आप अपनी पसंद के अनुसार जैसे चाहे आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा बिस्किट से बना हुआ यानी पार्ले जी बिस्किट से बना हुआ चॉकलेट पुडिंग बिल्कुल तैयार है। और आपने देखा कितना आसान है इसे बनाना, बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाता है। तो आप ज़रूर बनाइए। और रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ।